वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और आज अपन एक और स्पेशल अब एकदम एंडिंग एंडिंग पे, आई होप आज शायद खत्म भी हो जाए, तो एंड अपन आइडेंटिटी क्रिएशन। तो हियर वी डिस्कस द नेक्स्ट टाइप ऑफ इंटीग्रल विच इज इंटीग्रल ऑफ टाइप इसके लिए सब्स्टिट्यूशन आपको पहले बता चुके हैं, एक्स माइनस अल्फा अपॉन बीटा माइनस एक्स, या फिर ये इस फॉर्मेट में आए, इन दोनों का प्रोडक्ट आए या फिर डिवीजन आए। ये दो फैक्टर हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट या फिर डिवीजन आता है। एंड जब आपने इस टाइप के क्वेश्चन को इंटीग्रेट करना है, स्क्वायर रूट ओवर एक्स माइनस अल्फा अपॉन बीटा माइनस एक्स, यहाँ पर एक बार एक्स पॉजिटिव है एक बार एक्स नेगेटिव है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए जो वर्किंग मेथड है, वर्किंग रूल है टू इंटीग्रेट दिस टाइप ऑफ इंटीग्रेशन, यहाँ पे ये सब्स्टिट्यूट करते हैं, एक्स इक्वल्स टू अल्फा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बीटा साइन स्क्वायर थीटा। ये सब्स्टिट्यूशन करेंगे एंड वी गेट अवर एक रिजल्ट। एक क्वेश्चन आप इस पर देख लें, सब्स्टिट्यूशन याद रखना है। यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट दो और सिचुएशन में बताऊंगा और दोनों के लिए भी जो सब्स्टिट्यूशन हैं वो इससे डिफरेंट हैं, सेम सब्स्टिट्यूशन नहीं आते हैं। तो टू इंटीग्रेट दिस टाइप ऑफ इंटीग्रेशन, जैसे फॉर एग्जाम्पल इवैल्यूएट एक्स माइनस थ्री अपॉन टू माइनस एक्स, मान लो इसको आपने इंटीग्रेट करना है डीएक्स, तो बिल्कुल एग्जैक्ट इसी पर है। तो सॉल्यूशन के लिए यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे एक्स की जगह पर थ्री कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टू साइन स्क्वायर थीटा। नाउ व्हेन वी डिफरेंशिएट दिस, जब आप इसका डेरिवेटिव निकालेंगे डीएक्स, तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा साइन टू थीटा, साइन टू थीटा ये भी बनता है, दोनों साइन टू थीटा बनेंगे, ये टू बनेगा, ये माइनस का टू बनेगा। तो ये डेरिवेटिव करोगे तो माइनस साइन टू थीटा डी थीटा, ये इसका डेरिवेटिव। अब जब आपने सब्स्टिट्यूशन कर दिया तो यहाँ एक्स माइनस थ्री का वैल्यू निकाल लीजिए, एक्स में से थ्री सबट्रैक्ट कर दे रहे हैं, तो इसमें जब थ्री सबट्रैक्ट करेंगे मतलब माइनस थ्री यहां पर करेंगे, तो कॉस स्क्वायर थ्री कॉमन ले लीजिए माइनस का, तो वन माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर हो जाएगा। तो जब आप थ्री सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस का थ्री साइन स्क्वायर थीटा आएगा और प्लस का टू साइन स्क्वायर थीटा तो है ही, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा आता, तो इसकी वैल्यू माइनस साइन स्क्वायर थीटा आती है। एंड सिमिलरली व्हेन वी कैलकुलेट टू माइनस एक्स, तो टू में जब आप ये एक्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे मतलब थ्री कॉस स्क्वायर थीटा और टू साइन स्क्वायर थीटा, तो यहां पर आप देखें टू माइनस टू साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस कॉस स्क्वायर और माइनस थ्री कॉस स्क्वायर, सो दिस बिकम्स माइनस फाइव कॉस स्क्वायर। एक बार चेक कर लीजिए, दो में एक्स को सब्ट्रैक्ट करना है और एक्स का वैल्यू माइनस माइनस हो जाएगा, सो व्हेन यू सब्ट्रैक्ट दीज टू सो दिस बिकम्स प्लस का आएगा, ठीक, तो ये माइनस आता, फाइव नहीं आएगा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, ठीक है। इन दोनों को साथ में लेंगे तो ये टू कॉस स्क्वायर बनेगा, सो वी गेट दिस। अब ये सारा सब्स्टिट्यूशन उठा के इंटीग्रेशन में डाल दीजिए, देयरफॉर इंटीग्रेशन बिकम्स एक्स माइनस थ्री की जगह पर ये और टू माइनस एक्स की जगह पर ये, दोनों का डिवीजन करोगे
रेशियो निकालोगे, मतलब यहाँ पर वैल्यू डालेंगे तो ये टेन थीटा आ जाएगा, मतलब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बचता, ये इसका वैल्यू हो गया। एंड नाउ डीएक्स की जगह पर वी पुट माइनस साइन टू थीटा, तो ये माइनस सामने ले लिया, और साइन टू थीटा होता टू साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा, एंड ये कैंसिल हो जाएगा, अंदर टू साइन स्क्वायर थीटा होता, टू साइन स्क्वायर थीटा को वन माइनस कॉस टू थीटा लिख सकते, और डी थीटा ये टू साइन स्क्वायर थीटा हो गया। ना इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कॉस टू थीटा का इंटीग्रेशन साइन टू थीटा बाई टू, और वन का इंटीग्रेशन जो आएगा वो आएगा थीटा प्लस कॉन्स्टेंट सी, और अब यहां से आपको थीटा को टोटली एलिमिनेट करना है। सो ये देखिए, ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बन जाएगा, और इसमें आपको साइन और कॉस दोनों की वैल्यूज पता है, ये देखो इन दोनों का प्रोडक्ट कर दो, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट कर दो और स्क्वायर रूट ले लो, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का वैल्यू इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा, मतलब ये बनाएगा यहाँ पर x माइनस थ्री और टू माइनस एक्स का प्रोडक्ट, ये एलिमिनेट हो गया थीटा, और माइनस ये वाला थीटा एलिमिनेट करने के लिए दोनों को डिवाइड कर देंगे, तो दोनों को डिवाइड करोगे तो टेन स्क्वायर थीटा इन दोनों का रेशियो आता है, स्क्वायर रूट लेंगे तो टेन थीटा स्क्वायर रूट आ जाए, तो थीटा का वैल्यू टेन इनवर्स स्क्वायर रूट ओवर एक्स माइनस थ्री अपॉन टू माइनस एक्स प्लस सी आता है। सो दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है, थीटा फाइनली हटाना है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो अब इसको नोट कर लीजिए, ये पेज नंबर वन है, इस तरीके से ये फर्दर इंटीग्रेट होगा, तो फाइनल आंसर मैच कर लो, कहीं पे कोई डाउट है तो पूछ लो। सर राइट हैंड साइड पे एक बार फिर से समझा दीजिए। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कॉस टू थीटा का इंटीग्रेशन साइन टू थीटा बाई टू है ना, इंटीग्रेशन तो आपको समझ गया, अभी साइन टू थीटा का फॉर्मूला डाला टू साइन कॉस, तो टू टू कट गया, ये साइन कॉस बचा, और ये माइनस थीटा प्लस सी ये एस एच है, और अब आपने साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू डालना है, तो ये देखो ये हमारे पास दो वैल्यूज हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर का जो प्रोडक्ट आएगा वो आता है एक्स माइनस थ्री और टू माइनस एक्स, टेकिंग द स्क्वायर रूट, तो साइन इंटू कॉस का वैल्यू इन दोनों का प्रोडक्ट का रूट आ जाएगा, तो ये साइन कॉस का वैल्यू है, और जब वैल्यू थीटा का आपको वैल्यू निकालना है तो इन्हीं दोनों को डिवाइड कर दिया, तो टेन स्क्वायर आएगा इन दोनों का रेशियो एक्स माइनस थ्री अपॉन टू माइनस एक्स, ठीक है, टेन थीटा डिवाइड करेंगे और स्क्वायर रूट लेंगे तो ये टेन थीटा आएगा, तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा टेन इनवर्स ऑफ दिस, समझ गया सिल्वी गुप्ता? यस सर। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो सर। हाँ सर, हम अंडर रूट के अंदर एक्स माइनस अल्फा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, तो फिर वो x माइनस अल्फा बाहर आ जाएगा, फिर उसको जो नीचे डिनोमिनेटर में इंटू करेंगे तो वो अंडर रूट वाला फॉर्म बन जाएगा ना, स्क्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला, लेकिन जो डिनोमिनेटर में आ जाएगा उसका क्या करोगे सर? तो उसके लिए अपन ने वो सब्स्टिट्यूट करेंगे ना, वो जो फॉर्मूला आपने बताया था हमको, एक टाइप बन जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं बनेगा ना, ऊपर तो क्वाड्रेटिक बनेगा, आपने केवल क्वाड्रेटिक के लिए फॉर्मूला पढ़ा, लेकिन क्वाड्रेटिक के अपॉन में कुछ लिखा है उसके लिए कोई फॉर्मूला थोड़ी पढ़ा सर? नहीं, उसके ऊपर में अंडर रूट के अंदर है ना। अरे ये क्वाड्रेटिक बनेगा, इसके लिए कोई फॉर्मूला थोड़ी है तुम्हारे पास, बताओ कौन सा फॉर्मूला है, या बीटा माइनस सर? नहीं, एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा, तो वो एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर हो जाएगा ना, तो रूट के बाहर आ जाएंगे सर। फिर जो नीचे में हमने एक्स माइनस अल्फा इंटू किया है लेकिन करके देखना जरा, फिर बताना मेरे को जहाँ तकलीफ जाती है। ठीक है।
उसको वैसे भी अटेम्प्ट करके देखना। करो करो ट्राई, दो मिनट दे रहा है, इसको वैसे ट्राई करो जरा। यही क्वेश्चन है और ये मेथड है, x माइनस थ्री से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके नीचे क्वाड्रेटिक बनाओ। वैसे भी हो जाएगा ये। यही आंसर आता क्या? मैच करो। और कोई ट्राई कर भी रहा है कि नहीं? लोकल लोकल करा, यही आंसर आएगा सेम। ये तो आपका अभी तक जो आप वहां पर पढ़े थे पहले, वहां पर आपका जो डिनोमिनेटर था वो फर्दर फैक्टराइज नहीं होता था, लेकिन इस पर्टिकुलर केस में ये दो फैक्टर आपको बना के दिए हैं क्वाड्रेटिक के। और जब ये दो फैक्टर बना के दिए हैं, आपने इसके लिए फॉर्मूला लिखा हुआ है डायरेक्ट, क्योंकि जब ये क्वाड्रेटिक बनेगा तो वो कंप्लीट स्क्वायर वाला फॉर्मूला आपको बताया था, ठीक है? तो वो आपको क्वाड्रेटिक बनाना पड़ेगा डिनोमिनेटर में। हो रहा है योजित? आ रहा है क्या? अरे तुम्हारा आवाज ही नहीं आ रहा, पता नहीं क्या बोल रहा है। एक तो सॉल्व कर रहा हूँ। अच्छा तो आप देखो कुल मिला के आप रियलाइज करोगे एट दी लास्ट कि उससे कम नंबर ऑफ स्टेप्स में ये हो जाता है। तो आप सब्स्टिट्यूशन से करेंगे ये वाला क्वेश्चन, और आप उससे भी ट्राई करें और उससे भी मैच कराने की कोशिश करें। बट आपको ये बता देते हैं कि वो जो फॉर्मूला आपने पढ़ा था वहां पर, ये क्वाड्रेटिक जब बनता था तो ये क्वाड्रेटिक वो था जो फर्दर फैक्टराइज नहीं होता, क्योंकि आप वहां पे कंप्लीट स्क्वायर बनाते थे, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला बनाते थे, ठीक है? और यहाँ पर ये आपको ऑलरेडी जो क्वाड्रेटिक है उसके क्वाड्रेटिक के दो फैक्टर बने बनाए दिए हैं, ठीक है? सो जब फैक्टर्स आपको ऑलरेडी गिवेन है तो फिर ज्यादा इजीली आ जाता है, उससे ज्यादा इजीली आ जाता है।
जब आप ये सब्स्टिट्यूशन करके करेंगे, तो इसलिए ये सब्स्टिट्यूशन इम्पॉर्टेंट है, आप इससे अटेम्प्ट करें, क्वेश्चन आपका जल्दी हो जाएगा। आप उससे भी ट्राई करके देखो और बताइएगा मेरे को कहाँ आपको तकलीफ गया। इसका एक और भाई है, वो अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो अगला जो सेकंड टाइप ऑफ दिस इंटीग्रेशन है, अभी देखिए आप इसमें जो खासियत थी वो ये थी कि यहाँ पर आपको x और यहाँ पर एक बार x पॉजिटिव दिया था, एक बार x आपको नेगेटिव दिया था। मतलब जब आप इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो ये माइनस एक्स स्क्वायर बनेगा, और जब ये माइनस एक्स स्क्वायर बनेगा तो ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इस टाइप का फॉर्मेट लेता है, ठीक है। लेकिन अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा बदली कर रहा हूँ और x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा ही ले रहा हूँ। मतलब जो सेकंड टाइप है इसी कैटेगरी का, जब x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा आएगा तब आपके सब्स्टिट्यूशन क्या होंगे। तो वो आप, तो जब ये x माइनस अल्फा अपॉन x माइनस बीटा होगा, या फिर यहाँ पे भी x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा होगा, तो उस पर्टिकुलर केस में आपने जो सब्स्टिट्यूशन करना है वो सब्स्टिट्यूशन अपन ये लेते हैं, x की जगह पर अल्फा sec स्क्वायर थीटा माइनस बीटा tan स्क्वायर थीटा, ये सब्स्टिट्यूशन है। तो सब्स्टिट्यूशन आप याद रखिए, ठीक है, sec और tan आता है, यहाँ पर sin और cos सब्स्टिट्यूट किया था। और इसमें एक और कैटेगरी आपको बताता हूँ, और वो ये है थर्ड केस। ये आपका सेकंड टाइप हो गया, ऑलरेडी बना बनाया। और थर्ड केस है कि जब आपको यहां पर इंटीग्रेशन dx के अपॉन में ये दोनों दिए हों, x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा। तो टू इंटीग्रेट दिस टाइप ऑफ इंटीग्रेशन, जो इसके लिए आपका वर्किंग रूल होगा, जो सब्स्टिट्यूशन आप करेंगे, वो है या तो x माइनस अल्फा को t स्क्वायर ले लें, या फिर x माइनस बीटा को t स्क्वायर ले लेंगे। कोई भी एक सब्स्टिट्यूशन, या तो x माइनस अल्फा की जगह t स्क्वायर, या फिर x माइनस बीटा को t स्क्वायर। तो ये तीन पॉसिबिलिटीज है इसमें कि जब ये दोनों का डिवीजन आए, दोनों का प्रोडक्ट होके न्यूमरेटर में बनाए, या फिर दोनों का प्रोडक्ट होके ये ओवरऑल डिनोमिनेटर में आ जाए, तो फिर पहले दो केस के लिए सब्स्टिट्यूशन सेम है, एक्स की जगह अल्फा sec स्क्वायर थीटा माइनस बीटा tan स्क्वायर थीटा लेंगे। बट जब ये ओवरऑल डिनोमिनेटर में आएगा तो आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे या तो एक्स माइनस अल्फा को टी स्क्वायर, या फिर एक्स माइनस बीटा को टी स्क्वायर। तो ऊपर नीचे आप देखोगे एक टी कट जाएगा और फिर ये इजीली इंटीग्रेट हो जाता है। तो इम्पोर्टेंट पैटर्न है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो तीन केस में इस टाइप का इंटीग्रेशन आपको बताया, और इस पर बेस आप कोई भी दो क्वेश्चन, जैसे अभी लिया था वही क्वेश्चन ले लीजिए, एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री कर लीजिए, फिर एक्स माइनस टू को टी स्क्वायर ले लीजिए, तो आपको बहुत कुछ आइडिया लग जाएगा क्वेश्चन का, इजीली सॉल्व हो जाता है वो। ठीक है, तो ये तीन ही केस है इसमें, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और अपन अगले इंटीग्रेशन पे बढ़ते हैं। चलिए, पहला वाला क्वेश्चन हो गया किसी का कि नहीं हुआ अभी तक? नहीं करते ही नहीं, पसंद रूट के सामने टू इंटू में आ रहा है, रूट के सामने टू इंटू में आ रहा है, बाकी पूरा आ रहा है। हाँ सर, तो कहीं कैलकुलेशन छोटा सा मिस्टेक हुआ होगा, आएगा तो नहीं टू, क्योंकि अपना कहीं भी टू बन नहीं रहा था,
क्योंकि यहाँ पे साइन टू थीटा का जब आपने डिफरेंशिएशन किया था तो ऊपर नीचे टू टू कट गया था। एक बार और कैलकुलेशन चेक करना, ठीक है? हाँ, तुमको नहीं समझ में आया तो फिर मेरे को भेज देना, तो मैं बता दूंगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो सभी लोग। तो दोनों से आता है, लेकिन आप वो सब्स्टिट्यूशन से करो, जल्दी पकड़ ले जाओगे आंसर। चलिए, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टाइप। अब देखिए, जो आपको यहां पर मैं बता रहा हूं, दे आर कॉल्ड द रिडक्शन फॉर्मूला। अगली बात जो है, जो कुछ एंड एंड की बातें हैं, अब यहां पर इंटीग्रेशन में, यहां पर हम कुछ रिडक्शन फॉर्मूले पढ़ रहे हैं, मतलब रिड्यूस कर रहे हैं। जैसे मान लो आपको पहली बात, यहां पर जो हेडिंग है ओवरऑल वो ये है कि इंटीग्रेशन ऑफ, ये मैं फॉर्मूले आपको बता रहा हूं, टेन पावर एन कॉट पावर एन। अब यहां पर एन आपका कुछ भी नेचुरल नंबर हो सकता है, सेक पावर एन, और लास्ट में कोसेक पावर एन। जब आपको ये इंटीग्रेट करने आएंगे, देखिए साइन कॉस होता है तो फिर आपको पता है कि जब साइन कॉस आएंगे तब तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यूज कर लेंगे, क्योंकि आपने ट्रिग्नोमेट्री में साइन सी प्लस साइन डी या टू साइन ए साइन बी टू साइन ए कॉस बी ये फॉर्मूले पढ़े। लेकिन सेक के केस में या कॉट के केस में, टेन या फिर कोसेक के केस में आपने कोई फॉर्मूला पढ़े, टू सेक इंटू सेक बी कोई फॉर्मूला नहीं होता, टू कोसेक ए इंटू कोसेक भी कोई फॉर्मूला नहीं होता। तो इसलिए जब यहाँ पर आपका टेन पावर एन, मतलब पूरे छह ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में से केवल हमने यहाँ पर साइन और कॉस को छोड़ा है, क्योंकि वो इजीली आप इंटीग्रेट कर सकते हो बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज करके वो आप इजीली ला सकते हो। एन कोई नेचुरल नंबर है यहाँ पर, बट यदि आपको अदर देन साइन कॉस इन चार में से कोई एक आता है तो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बनाते हैं ये। जैसे मैं आपको सबसे पहला यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स बताऊं, तो टू इंटीग्रेट टेन पावर एन डी एक्स, इसको यदि आपने इंटीग्रेट करना है, इसको मैंने आई मान लिया इंटीग्रेशन को, आई एन ले लेता हूं, और क्योंकि जो रिलेशन बनेगा वो बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है, आई एन मान लिया। इसको फर्दर इंटीग्रेट करने के लिए टेन पावर एन को मैंने रिड्यूस किया टेन पावर एन माइनस टू और टेन पावर टू, टेन स्क्वायर एक्स। और फर्दर जब आगे आएंगे तो टेन पावर एन माइनस टू रिमेन्स एज सच, और टेन स्क्वायर एक्स को लिख देंगे sec स्क्वायर एक्स माइनस वन डी एक्स। और जब आप इसको ओपन करेंगे तो ये दो पार्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके आगे का मैं यहां पे लिख रहा हूं, टेन पावर एन माइनस टू एक्स इंटू sec स्क्वायर एक्स डी एक्स और माइनस। तो ये बनता है रिडक्शन फॉर्मूला। अब आप देखो, इसको ओपन किया तो ये आ गया। नाउ अब यहाँ पे टेन एक्स को टी लेंगे तो sec स्क्वायर एक्स डी एक्स डी टी हो जाएगा, और टी पावर एन माइनस टू का इंटीग्रेशन होता है टी पावर एन माइनस वन अपॉन एन माइनस वन। और देखिए, यदि यहाँ पर पावर एन है तो हमने आई एन माना है, यदि पावर एन माइनस टू होगा तो फिर हम इसको आई एन माइनस टू लिख देंगे। तो ये बन गया एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट, आई एन माइनस टू, मतलब हम आई एन को लेके चले थे, हमारे पास ये रिजल्ट आया। तो दोनों को जब कंबाइन करोगे तो फाइनली हियर वी गेट कि आई एन जो होता है वो टेन पावर एन माइनस वन एक्स अपॉन एन माइनस वन माइनस आई एन माइनस टू होता है। ये रिडक्शन फॉर्मूला, रिड्यूस कर दिया हमने, बड़ी पावर को छोटी पावर में रिड्यूस किया।
ठीक है, तो ये है इम्पोर्टेंट, इसलिए हम इसको रिडक्शन फॉर्मूला बोलते हैं, क्योंकि बड़ी पावर को छोटे में रिड्यूस कर दिया। अब इसका फायदा ये है कि जैसे यदि मेरे को 10 पावर 4 इंटीग्रेट करने आएगा, तो 10 पावर 4 का जो इंटी मतलब n की जगह पर 4 डालेंगे, तो 10 पावर 4 का इंटीग्रेशन बनेगा 10 पावर 3 अपॉन 3 माइनस 10 स्क्वायर x का इंटीग्रेशन। मतलब 4 वाले को 2 में रिड्यूस, दो पावर कम हो जाएंगी। तो जब 10 पावर 4 आएगा तो उसका इंटीग्रेशन 10 पावर 3 बाई 3 माइनस 10 स्क्वायर बन जाएगा, और फिर 10 स्क्वायर को तो आप इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो ये रिडक्शन फार्मूला आपको वहां पर हेल्प करेगा। मतलब जैसे 10 क्यूब का इंटीग्रेशन करना है, आई एन, एन को हमने 3 ले लिया, तो 10 क्यूब का इंटीग्रेशन हो जाएगा, एन की जगह 3 डालोगे तो 10 स्क्वायर एक्स अपॉन 2 माइनस 10 एक्स का इंटीग्रेशन, और 10 एक्स का इंटीग्रेशन लॉग sec x हो जाएगा। तो इस तरीके से हायर पावर को लोअर पावर में रिड्यूस कर सकते हैं, इसलिए इट इज कॉल्ड ऑल्सो द रिडक्शन फार्मूला। और जैसा 10 का किया बिल्कुल सिमिलरली cot का होता है। ठीक है, तो एक मैंने वेरीफाई कर दिया, ये दूसरा वाला आप इसको ट्राई कर लीजिएगा कि यदि हम आई एन cot पावर n dx लेके चलें, तो ये जो आई एन का फॉर्मूला अब आता है, मैं यहां पर ऐसा लिख लेता हूं, देन आई एन जो है इट इज इक्वल्स टू, बस केवल इस एक जगह पर माइनस आएगा, कॉट पावर एन माइनस वन एक्स अपॉन एन माइनस वन, और माइनस आई एन माइनस टू अपनी जगह, बिल्कुल सेम रिजल्ट है, बस टेन की जगह पर जब आप कॉट लिखेंगे तो यहां पर माइनस आ जाता है। जिसको आप वेरीफाई करके देखिएगा, ये दोनों नोट कर लें। इसके बाद अपन रिडक्शन फॉर्मूले सेक के और कोसेक के देखेंगे। ठीक है, इसको नोट करिए, उसके नीचे पड़ा है। और अब आप सेक पावर एन को वेरीफाई करिए, बिल्कुल ऐसा ही sec का हो जाएगा, तो sec का जो आएगा बिल्कुल सेम cosec का आएगा, बस यहाँ पर माइनस साइन आ जाएगा। तो ट्राई करें sec का, तो अब अपन कर रहे हैं यहाँ पर sec का फॉर्मूला वेरीफाई। ट्राई करते रहो आप sec पावर n x dx। तो बिल्कुल वैसे ही रिड्यूस करेंगे, दो पावर यहां भी अलग करते हैं। जब आपने sec पावर n को इंटीग्रेट करना है, तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए हमने sec पावर n माइनस टू एक्स इंटू sec स्क्वायर एक्स लिख लिया। ठीक है, लेकिन अब यहां पर हम इसको इंटीग्रेट करने के लिए वो नहीं कर पाएंगे जो हमने पिछले क्वेश्चन में कर लिया था। अब यहां पर ये जो फर्दर इंटीग्रेट होगा sec का और cosec का बिल्कुल सेम चलता है। अब यहां पर आपको लगाना पड़ेगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला। तो इसको फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड फंक्शन लेके इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा रहे हैं। तो फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10x माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। तो जब पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो पहले पावर का डिफरेंशिएशन होगा, फिर sec का डेरिवेटिव होएगा sec x इंटू 10x, और ये हो गया डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड का इंटीग्रेशन। तो ये तो इंटीग्रेट हो चुका है, अब इसका तो आप और कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसको एज सच रखेंगे, sec पावर n माइनस टू एक्स 10x, यहां पर n माइनस टू आ गया बाहर इंटीग्रेशन के अंदर, ये sec पावर फिर से n माइनस टू हो जाएगा, और ये जो tan स्क्वायर बन जाएगा, इस tan स्क्वायर को अपन sec स्क्वायर x माइनस वन dx लिख देंगे।
जब भी आप ब्रैकेट ओपन करोगे, एक स्टेप और लिख लेते हैं, उसके बाद अपन अपने रिजल्ट पे पहुंच जाएंगे. 10x n माइनस 2 रिमेन्स एज सच, इंटीग्रेशन अपनी जगह एज सच है. तो जब आपने ओपन किया तो ये sec पावर n dx बन जाएगा, फिर ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, और n माइनस 2 इंटीग्रेशन ऑफ sec पावर n माइनस 2 dx हो जाएगा. इसको मल्टीप्लाई किया तो sec पावर n, इसके साथ किया तो sec पावर n माइनस 2. और अब आप देखिए जो रिजल्ट है आपका, ये आ गया रिड्यूस होके. ये वाला जो टर्म दिख रहा है ये आई एन लिख सकते हैं इसको, और ये आई एन माइनस 2 है. तो ये आई एन वाला टर्म यहाँ पे ट्रांसफर करोगे, आई एन के साथ लेंगे, इसको आई एन लिख देना. मेनली फोकस बस इस पे करना है, ये आई एन है, और जब ये इधर ट्रांसफर होगा तो प्लस का हो जाएगा. तो 1 प्लस एन माइनस 2 मतलब एन माइनस 1 बचेगा, वो एन माइनस 1 से मैंने डिवाइड किया. तो फाइनल रिजल्ट क्या बना, sec पावर n माइनस 2 एक्स 10x अपॉन n माइनस 1, फिर ये प्लस का n माइनस 2 अपॉन n माइनस 1, और इसको आप क्या लिख सकते, आई एन माइनस 2. ठीक है, तो ये हो गया रिड्यूस. जो भी पावर दिया होगा उससे दो कम पावर में आप इस इंटीग्रेशन को ला सकते हो. तो दिस इज द रिडक्शन फॉर्मूला फॉर sec पावर n. इसमें कोई डाउट है कहीं पे तो पूछ लें, और बिल्कुल ऐसे ही कुछ एक का लिख सकते हैं, बस यहाँ पर एक जगह पर माइनस का साइन आएगा, उसको आप वेरीफाई करके देख लेना बिल्कुल सिमिलर वे में, तो प्रैक्टिस भी हो जाएगा और रिजल्ट भी आपका बन जाएगा. तो ये थर्ड है, एंड सिमिलर वे में जब आप रिडक्शन फॉर्मूला कुसिक के लिए यूज करेंगे, तो फॉर यदि मैं आई एन को कोसेक पावर एन डी एक्स सपोज करूं, देन दिस इज द रिलेशन कि आई एन इज इक्वल्स टू, अब आपका माइनस का कोसेक पावर एन माइनस 2x इंटू कॉट एक्स, बिल्कुल सेम आता है, एक लर्न कर लोगे तो बाकी आप इजीली याद रख सकते हैं. n माइनस 2 अपॉन n माइनस 1 और आई एन माइनस 2 आता है. ये कोसेक के लिए रिजल्ट है, रिडक्शन फॉर्मूला. तो ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, और कोई डाउट है तो पूछ लें, कहीं कैलकुलेशन आपको नहीं समझा हो तो पूछ लीजिए. चलिए, तो ये आपका लास्ट में कुछ थ्योरी का पोर्शन था. अब आपको बता दें कि भाई कंसेप्ट वाइज तो इतने ही कंसेप्ट आपको थ्योरी में जेई के सिलेबस में है, और इसमें से 80% आपकी टेक्स्ट बुक में कवर किए गए हैं टॉपिक्स को. अब बात आती है कि इंटीग्रेशन में जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सम्स बनते हैं, तो इसमें आप जितना क्वेश्चन का प्रैक्टिस करोगे उतना आपको इसके डिफरेंट क्वेश्चंस का आइडिया लगेगा. जितना आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे दिमाग आपका उतना खुलेगा. तो मैं आपको जो प्रीवियस ईयर्स में कुछ क्वेश्चन आए हैं जेई के, ठीक है, वो मैं आप डिस्कस कर रहा हूँ, तो एक आइडिया आपको लग जाएगा. तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें. और एक मिनट सर, एक मिनट. तो एक जो पैटर्न है तो जेई में पूछा है, वो दो बार एक्चुअली क्वेश्चन पहले आ चुका है, तो वो अब आप देख लो. और ये जितनी भी बातें छोड़ते हैं ना आपके लिए, इसको आप कर लिया करो, इसको ही बोलते प्रैक्टिस. ये नहीं करोगे तो फिर बाद में मत बोलना कि समझा नहीं सर. वो आपको समझेगा इसलिए नहीं क्योंकि आप घर में प्रैक्टिस कर नहीं रहे. नहीं तो आपकी उम्र का बच्चा दूसरा कर रहा क्वेश्चन और आप नहीं कर रहे, तो कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो फर्क होएगा.
इतने बैच में कुछ चार पांच बच्चों का ही डाउट वाउट आता रहता, तो उससे समझ में आता कितना पढ़ाई चल रहा है। तो ये क्वेश्चन जो है रूप बदल के दो बार पूछा गया है, तो देखो शायद ये क्वेश्चन एक बार पहले क्लास में भी डिस्कस हो गया। क्वेश्चन आपको दिया है, इफ साइन एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस ए डीएक्स, ये आपका ए एक्स प्लस बी लॉग साइन एक्स माइनस ए प्लस सी हो, तो आपको बताना है कि ए बी का वैल्यू कितना होगा। ए बी पहला ऑप्शन है माइनस कॉस ए प्लस साइन ए, दूसरा ऑप्शन है कॉस ए साइन ए, तीसरा ऑप्शन है साइन ए इंटू कॉस ए, लास्ट ऑप्शन है माइनस साइन ए इंटू कॉस ए। और आप ये कर लोगे तो बिल्कुल इसी जैसा फिर अपन इसी कंसेप्ट का यूज करके एक अगला क्वेश्चन इसमें डाल देंगे। तो ऐसा क्वेश्चन आपको इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन में जेई में पूछा गया है। करिए अपना आंसर। करेक्ट है योजित, कल्पित चौधरी करेक्ट है। समीर कामले करेक्ट है। संकेत तुपकर करेक्ट है। शांतनु मेश्राम करेक्ट हैं। चलिए तो बाकी लोगों का नहीं आ रहा है, तो करेक्ट आंसर है इसका सेकंड ऑप्शन, कॉस ए साइन ए आंसर आता है। और आप देखिए इसमें बस ये करना है, हर बार हर क्वेश्चन में आपने यही सीखा, जो डिनोमिनेटर में है वो ऊपर बना लीजिएगा। इंटीग्रेशन से निकलने का एक तरीका जो आपने सीखा, जो डिनोमिनेटर में दिया वे मैं ऊपर बना लेता, तो मैंने ऊपर क्या किया ए को सब्ट्रैक्ट और ए को ऐड कर दिया, और अब यहाँ पे साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे, सॉरी साइन ए प्लस बी का,
तो साइन ए प्लस बी कंपाउंड एंगल फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। वो इतना सा था ये क्वेश्चन। और अब इसको साइन एक्स माइनस ए से सेपरेटली डिवाइड कर दीजिए, पहले टर्म को अलग और दूसरे टर्म को भी साइन एक्स माइनस ए से डिवाइड कर दें। ये इंटीग्रेशन है, बीच में प्लस का साइन एस सच है, ये कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे पहले वाले में साइन एक्स माइनस ए पूरा कट जाएगा, इसका इंटीग्रेशन एक्स कॉस ए आता है। तो आप अपना आंसर आप यहीं से बता सकते थे, एक ही ऑप्शन है जिसमें कॉस ए आ रहा है ए का वैल्यू, तो सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा। बाकी आप आगे भी मैच कर सकते हो, यहाँ पर साइन ए कॉमन आ जाएगा। और अब बचा कॉट एक्स, तो कॉट एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग साइन एक्स, तो ये लॉग साइन एक्स मतलब एक्स माइनस ए प्लस सी आंसर है। तो मैच करेंगे तो बी की जगह पर आप देख रहे हो साइन ए है और ए की जगह पर कॉस ए है, तो इसलिए ए और बी का वैल्यू कॉस ए इंटू साइन ए आता है। तो जो आपने करना है वो ये कि जो नीचे है वो ऊपर बना दी। अदरवाइज एक तरीके से और किया जाता है कि इसमें x माइनस ए को आप t मान के भी फर्दर प्रोसीड कर सकते हो। ऐसे भी इसका जो सेकंड मेथड हो जाएगा सॉल्यूशन का कि आप यहाँ पर इसको x माइनस ए को t सपोज कर लो, तो यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता, वेरिएबल बस इतना हो जाता है। और ऊपर जो अब x लिखा है, x की जगह पर साइन ए प्लस टी बन जाएगा और नीचे साइन टी डी टी हो जाएगा। अब यहाँ भी वही साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाओ, फर्दर प्रोसीड कर दो। तो ऐसे भी अप्रोच करते हैं, एक्स माइनस ए को टी भी लेके सॉल्व कर सकते हो। अदरवाइज जो आपने अभी तक सीखा है, जो डिनोमिनेटर में दिया वो न्यूमरेटर में बना लेते हैं वैसा, ठीक है। सो यह है क्वेश्चन, स्क्रीन शॉट ले लो। और अब बिल्कुल इसी जैसा एक क्वेश्चन में बता रहा हूँ, आप उसका आंसर अब तुरंत कर सकते हो, देख लीजिए क्वेश्चन में बता रहा हूँ। ऑप्शन भी लिखूंगा तो आप फिर मैच करके बताइएगा विच वन इज करेक्ट। तो सिक्स्थ केस है, सिक्स्थ पेज पर अपन ले लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपके सामने ही रखता हूँ, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। अब बिल्कुल इससे मिलता जुलता एक और क्वेश्चन, दोनों जेई में आ चुका है पहले क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है दी वैल्यू ऑफ रूट टू टाइम्स साइन एक्स अपॉन, बताइए। देखिए बिल्कुल कहीं भी कोई चेंज नहीं आया, तो आप इसका पैटर्न जानते हो तो आप इसको आसानी से आंसर कर सकते थे। पहला ऑप्शन इसमें दिया था x log mod cos x माइनस पाई बाई फोर प्लस c, फिर x माइनस log sin x माइनस पाई बाई फोर प्लस c, x प्लस log mod साइन एक्स माइनस पाई बाई फोर प्लस सी, और एट दी लास्ट एक्स माइनस लॉग कॉस एक्स माइनस पाई बाई फोर प्लस सी। ये चार ऑप्शन आपको दिए थे, एक ही पैटर्न पर भी दो डिफरेंट क्वेश्चन, तो आप इजीली आंसर कर सकते हो उस क्वेश्चन का। ए और बी अपना दोनों पॉजिटिव आ रहा था, इसलिए पॉजिटिव नेगेटिव बनने का सवाल नहीं है। तो ये ऑप्शन तो सीधे उड़ जाते हैं, ये तो हो ही नहीं सकते कभी, क्योंकि दोनों टर्म पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, और अंदर जो है वो साइन आता है, तो साइन वाला केवल एक ही ऑप्शन है, इसलिए थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। तो डन, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। देख लीजिए कोई डाउट है तो पूछ लें इसमें।
स्क्रीनशॉट ले लो, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट हम। सेवेंथ देखिए अब, तो ये भी AIEEE में क्वेश्चन आया, क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ओवर dx अपॉन cos x प्लस रूट थ्री sin x। cos x प्लस रूट थ्री sin x, इसका वैल्यू कितना होगा? इज इक्वल टू आपके ऑप्शन है हाफ log 10 x by 2 plus pi by 12 plus c, half log 10 x by 2, same option है, बस अंदर जो है वो माइनस का दिया है। log 10 अगले ऑप्शन में half हटा लिया, x by 2 plus pi by 12 plus c, और बिल्कुल सेम माइनस पाई बाई 12 प्लस सी। तो बताइए विच वन इज करेक्ट। ये भी क्वेश्चन आपका जेई में आया हुआ। और एक क्वेश्चन मैं और इसमें लिख रहा हूँ जो जेई में आया है ऑलरेडी, और ये आपको मैं क्लास में करा चुका हूँ, ठीक है? तो एक साथ सारे जेई के क्वेश्चन आपका कलेक्शन हो जाए इस चैप्टर के। ये क्वेश्चन आप कर चुके हो, जब मैं क्वेश्चन लिखूंगा तो आपके ध्यान में आएगा, और आप इसको अब ट्राई करके देखिएगा कि अब ये आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। लॉग एक्स माइनस वन अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स स्क्वायर और होल स्क्वायर डी एक्स बराबर। क्लास में आप कर चुके हैं क्वेश्चन, आपके ऑप्शन थे पहला क्या ये x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी आएगा, या इसका इंटीग्रेशन लॉग एक्स अपॉन लॉग एक्स का स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी आएगा, या फिर x अपॉन log x का स्क्वायर प्लस 1 प्लस c आएगा, या x इंटू ex अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर प्लस c आता है। चार ऑप्शन है, ये क्लास में कर चुके हो आप क्वेश्चन, दोनों जेई में आया सवाल। पहले वाले का तो अभी आंसर करिए और दूसरा वाला आप चेक कर लीजिएगा, वो क्वेश्चन आप कर चुके हो ऑलरेडी। समीर कामले चेक करें, गलत जवाब है ये। संकेत उत्तर सही है,
सर मेरा इसका आंसर कुछ अलग ही आ रहा। क्या अलग आ रहा सर? एक आंसर बताओ सर मेरा। बताओ। 1/2 cos mod 1+10 x/2 minus π/6 upon 1-10 x/2 minus π/6 plus c। या अपॉन अपॉन में कहाँ से आ गया? काय का कौन सा फॉर्मूला लगाया तुमने? अपॉन में कैसे आ गया भाई? टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला तो नहीं डाल दिया उधर? टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी। मैंने वो इससे किया है। वो नहीं करना। संकेत तो पर करेक्ट है। इतना तो इजी सवाल है पहला वाला। दूसरा तो कर चुके हो, वो बताऊंगा नहीं। पहला वाला क्वेश्चन देखिए, कई बार आप ऑप्शंस को देखें तो उससे बहुत कुछ आइडिया लगता है। ऑप्शन आप देख रहे हो, सारे ऑप्शन लॉग टेन के टर्म्स में है। समीर कामले करेक्ट हैं अभी तो। सारे ऑप्शन आपको लॉग टेन एक्स बाई टू प्लस पाई बाई फोर के टर्म्स में दिए हैं और आप जानते हो कि केवल एक ही जो इंटीग्रेशन है जिसमें आंसर लॉग टेन एक्स बाई टू प्लस पाई बाई फोर ऐसा आता है, या एक्स बाई टू प्लस टेन इनवर्स डी बाई ए ऐसा आपने पढ़ा था, और वो है सेक का इंटीग्रेशन। ठीक है, सेक का इंटीग्रेशन जब आप करते हो तो वो इस फॉर्मेट में आता है। सेक के दो इंटीग्रेशन आपने लिखे, एक तो लॉग सेक प्लस टेन लिखा और दूसरा लॉग टेन एक्स बाई टू प्लस पाई बाई फोर लिखा। ठीक है, तो सेक का इंटीग्रेशन बनती है और इसको सेक बनाना है, इसको सेक बनाना है तो नीचे कॉस बनेगा तब जाके ऊपर सेक होगा। तो जो हिंट थी इसमें वो केवल ये थी कि आपको डिनोमिनेटर को इसको टू से डिवाइड और मल्टीप्लाई करना है। तो जब आप डिनोमिनेटर को टू से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो ये ऐसा बनेगा। अब आप इसको साइन में भी कन्वर्ट कर सकते हो और आप इसको कॉस में भी कन्वर्ट कर सकते थे। तो ये डिपेंड करेगा कि ऑप्शन आपको कैसे दे रखे हैं। तो ऑप्शन मेरे को सेक वाले दिए थे तो मैं इसको कॉस में कन्वर्ट करूंगा। तो जब आप कॉस में कन्वर्ट करोगे तो इसको आप कॉस 30 लिखेंगे, सॉरी कॉस 60 लिखेंगे। तो ये कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी बनेगा। तो अगले स्टेप में ये जो बनता है, ये बनता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी कॉस ए माइनस बी। तो ये कॉस एक्स माइनस पाई बाई थ्री बनेगा। अब जब ये ऊपर जाएगा तो सेक बन जाएगा। फिर लॉग सेक एक्स का इंटीग्रेशन लगा देना, सॉरी सेक एक्स का इंटीग्रेशन लगा देना तो ये आंसर दे देगा आपको। यही आंसर आ जाता है एग्जैक्ट। देख लो आप करके, कोई डाउट है? एग्जैक्ट यही बनाएगा। sec x का जो इंटीग्रेशन लिखा है वो लगा देना। तो ऑप्शन एक बार देख लिया करो कि ऑप्शन आपको क्या दे रखे हैं, उससे बहुत कुछ आइडिया लग जाएगा। क्योंकि ये साइन में भी कन्वर्ट होता है। यदि मैं इस 1/2 को साइन 30 लिख देता तो फिर साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी बनता, तब ये साइन ए माइनस बी बनता, सॉरी साइन ए प्लस बी बनता। तो ऊपर जाके फिर ये कॉस सॉरी कोसेक एक्स प्लस पाई बाई सिक्स हो जाता, और कोसेक एक्स प्लस पाई बाई सिक्स आप करोगे तो उससे भी तो आ जाता है, क्योंकि कोसेक का इंटीग्रेशन लॉग टेन एक्स बाई टू लिखा तो उससे भी आ जाता है। कोसेक कन्वर्ट करोगे तो भी आ जाता है, यही का यही आता सेम। दोनों में से कोई भी लगा दो, सेक या कोसेक, फर्क कुछ भी नहीं पड़ेगा। कोसेक से तो और जल्दी दिख रहा है मेरे को आंसर, तो किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हो, आंसर में कहीं कोई फर्क नहीं दिख रहा है। मेरे को लगा कि आंसर थोड़ा बहुत जाके एडजस्ट करना पड़ेगा, लेकिन ये तो बिल्कुल सीधा सीधा बन रहा है कोसेक से भी। तो आप डिनोमिनेटर में कोसेक बनाओ या सेक बनाओ, सॉरी डिनोमिनेटर में साइन बनाओ या कॉस बनाओ, ऊपर जाके ये सेक और कोसेक हो जाएंगे, उसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगा दो एंड यू गेट योर आंसर। स्क्रीनशॉट ले ले। ये कुछ लास्ट में क्वेश्चन मैंने इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन से आपके साथ डिस्कस किए। अब आप ये इंडेफिनाइट आईआई के क्वेश्चन बनाइए। अब आपका आईआई कंप्लीट है, ठीक है? और जितना आप क्वेश्चन बनाएंगे उतने पैटर्न सीखेंगे उसमें, उसमें उतना थ्योरी आपका याद रहेगा। तो क्वेश्चंस का आप प्रैक्टिस करते रहें इसका। और सेकेंड क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है समीर कामले,
ठीक है, ये आपने क्लास में किया हुआ है, ये फोर्थ ऑप्शन आता है इसका, ठीक है, तो ट्राई कर लीजिएगा। तो कल हम इसमें फिर डेफिनाइट इंटीग्रेशन अब आपका शुरू कर रहे हैं, ठीक है, तो डीआई शुरू करेंगे कल से। क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करते रहें अपनी टेक्स्ट बुक से, और आज के लिए फिलहाल इतना, बाकी करेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद सर। बोलो सर, एक पैराबोला दो पॉइंट्स को डिवाइड कर रहा है, मतलब उसका मतलब क्या हुआ? दो पॉइंट्स को डिवाइड कर रहा है, दो पॉइंट्स को डिवाइड कैसे कर सकता है? मतलब सर, दो पॉइंट्स के जो लाइन, मतलब लाइन कनेक्टिंग को डिवाइड कर रहा है। हाँ, तो लाइन सेगमेंट उसकी कॉर्ड बन जाएगी। डिवाइड करने का मतलब ए बी कॉर्ड बनेगा उसका। ए और बी दो पॉइंट्स हैं, और यदि पैराबोला उससे पास हो रहा है, ठीक है, तो वो उसका कॉर्ड बन जाएगा, ए बी कॉर्ड बनेगा। ठीक है सर। हाँ चलिए, तो मिलते हैं।